नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या ईरान एक बार फिर से इजराइल पर करने जा रहा है बड़ा पलटवार? इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम देश भड़क गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इजराइल के हमले का अब करारा जवाब दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि ईरान कैसे और कब इजराइल पर हमला करेगा? बात नंबर एक, बताया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार हैं और 1000 से ज्यादा फतेहवन, गदर और खुर्रम शहर मिसाइल से ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। हमने देखा भी था पिछली बार कैसे ईरान ने करीब 200 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया था, जिससे इजराइल में भारी नुकसान हुआ था। और इस बार कहा जा रहा है कि ईरान के साथ 1000 मिसाइल इजराइल पर दागी जा सकती हैं। बात नंबर दो, इजराइल के मिलिट्री बेस, हथियारों के ठिकाने ईरान के निशाने पर है, साथ ही आईडीएफ के सभी ठिकानों पर ईरान एक साथ हमले कर सकता है। उसी तरह मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान के टारगेट पर है। बात नंबर तीन, क्या इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स भी ईरान के निशाने पर हैं, जिसको लेकर काफी चिंताएं हैं। इजराइल के बड़े परमाणु संयंत्र हैं जैसे इलाबन, डिमोना, कफ्र देखारिया, नेबरा सोरेख, क्या इन पर ईरान हमले कर सकता है? ऐसा हुआ तो भयंकर तबाही मच सकती है। बात नंबर चार, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान के हमले के बदले इजराइल ने हमला किया है, पर बात यही खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी अमेरिका नहीं चाहता अब ईरान और इजराइल के बीच आगे हमले हों। बात नंबर पांच, सवाल यह भी कि इजराइल के हमले से ईरान का कितना नुकसान हुआ है? ईरान के दो सैनिकों की मौत हुई है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल की ज्यादातर मिसाइल्स को अपने डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया है। ऐसे में क्या ईरान इजराइल पर अटैक नहीं करेगा या फिर इजराइल के 100 फाइटर जेट का जवाब 1000 मिसाइल से दिया जाएगा? ये देखने वाली बात है।